राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और सांगानेर के विधायक भजन लाल शर्मा नए मुख्यमंत्री होंगे। मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले भजन लाल शर्मा भाजपा संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं। वे पार्टी के संगठन मंत्री रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। 55 साल के भजन लाल शर्मा लो प्रोफाइल रहते हैं। उनको पार्टी संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों का करीबी माना जाता है। इसी वजह से राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही कयासबाजियों के सारे पैमाने फेल हो गए। भजन लाल को राजस्थान में सामान्य वर्ग के रूप में एक मजबूत चेहरे के तौर पर जाना जाता है। वे पिछले 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अटारी गांव हुई। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए वे नदबैया गए। इसी समय शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ गए। ABVP में 1990 के कश्मीर मार्च में भजन लाल शर्मा की सक्रिय सहभागिता रही। उन्होंने 100 कार्यकर्ताओं के साथ उधमपुर तक मार्च कर गिरफ्तारी। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। इसके बाद 1991-92 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिली। भजन लाल शर्मा ने 27 साल की उम्र में अटारी गांव से सरपंच का चुनाव लड़ा। वे 2000 से 2005 तक अटारी गांव के सरपंच रहे। इसके बाद 2010 से 2015 पंचायत समिति सदस्य रहे। नए मुख्यमंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा नदबई मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री भाजयुमो, 3 बार जिला अध्यक्ष भाजयुमो, जिला मंत्री भाजपा भरतपुर 2009 से 2014 तक भरतपुर के जिला अध्यक्ष, 2014 से 2016 तक प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान और 2016 से अब तक प्रदेश महामंत्री रहे। भाजपा की मंगलवार सायं करीब 4 बजे हुई विधायक दल बैठक में सर्वसम्मति से पहली बार विधायक बने शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विधायक दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला हुआ। बैठक के बाद पर्यवेक्षक एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि विधायक दल के नेता के चयन के लिए आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इसी तरह विधायक दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो उप मुख्यमंत्री के नाम पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया, जबकि पूर्व मंत्री एवं विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। और मैं आश्वस्त हूँ श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूँ। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र को मिलने राजभवन पहुँचे। उनके साथ राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी एवं प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे। भजन लाल शर्मा पार्टी में प्रदेश महामंत्री के रूप में भूमिका निभा रहे थे और हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्हें जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाया और वो पहली बार विधायक बने। वो चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से अधिक मतों से हराकर विधायक निर्वाचित हुए। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम
पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई और वह दूसरी बार विधायक बनी है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल को प्रदेश में सर्वाधिक 71,000 से अधिक मतों से हराकर दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। इससे पहले वह वर्ष 2013 से सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़कर पहली बार विधायक चुनी गई थी। वह विद्याधर नगर से विधायक चुने जाने से पहले राजसमंद से सांसद थी और उन्होंने विधायक बनने के बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। बैरवा ने कांग्रेस प्रत्याशी को 35,000 से अधिक मतों से हराकर विधायक निर्वाचित हुए। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2013 के चुनाव में भी दूदू से विधायक चुने गए थे। वसुदेव देवनानी अजमेर उत्तर विधानसभा से लगातार 5वीं बार विधायक बने और इससे पहले भाजपा की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। देवनानी पार्टी के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता हैं। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।